There are friends, आज हम लोग क्लास थ्री में सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 41 में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है क्या पर राइट टू मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 4A। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ये डिवीजन फैक्ट में है, डिवीजन फैक्ट में है, इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में हम लोग को इसको तोड़ना है। और भी एक डिवीजन फैक्ट में है, ये डिवीजन फैक्ट जब भी रहता है ये वो रहता है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में जब तोड़ते हैं तो उसको दो भाग में बढ़ जाता है, उसको दो तरह का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो जाता है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे, इसको बनाकर हम लोग को दिखाना भी है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इसको जो हम लोग बनाते हैं, जब पहले लिखते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, बच्चों इसमें देखते हैं जो 48 डिवाइड 6 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में करेंगे। ये डिवीजन फैक्ट में है, तो डिवीजन फैक्ट में डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इस तरह से देखेंगे। यहां 48 डिवाइड 6 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे 8 6 इक्वल टू 48। सेम इधर से उल्टा चलेंगे, इस आधार पर चलते हैं। तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जब निकलता है तो 8 × 6 इक्वल टू 48, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट प्राप्त हो गया मेरा। तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इस जगह पर हम लोग लिख लेंगे 8 × 6 इक्वल टू 48। ये फर्स्ट में निकला, ये सेकंड वाला अगर जितने निकालते हैं, अगर यदि हम फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन इसको अगर जितने लिख लेते हैं हम लोग फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, तो सेकंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा ये देखते हैं। सेकंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इक्वल टू, अब इसमें देखते हैं इसको हम लोग इस तरह से, ये पहले 8 × 6 इक्वल टू 48 लिखे हैं, तो अब इसको हम लोग 6 × 8 इक्वल टू 48 वही होता है सिर्फ, तो 6 × 8 इक्वल टू 48। ये सेकंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकला, दोनों में अंतर कुछ ना कुछ है, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, यहाँ 6 है यहाँ 8 है, ये नंबर सबका जो है डिफरेंस मिला है, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें डिवीजन का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, डिवीजन फैक्ट में डिवीजन का साइन रहेगा। तो इसका सेकंड वाला जो निकला इसको हम लोग सेकंड वाला में लिखेंगे 6 × 8 = 48। बच्चों इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें 41 वाला क्वेश्चन जो बुक में है, इस क्वेश्चन को हम लोग इसी आधार पर बनाएंगे, टोटल क्वेश्चन को साफ सुथरा बना करके रख लेंगे। धन्यवाद।